हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह मैंने बनाया था चाट, सफ़ेद वाला जो मटर होता है उसका, और उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। मैंने वीडियो पूरा बना के रखा है कंप्लीट। और तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज बनाएंगे हम ये सफेद वाला मटर, इसका चाट। और इसको रात में हमने पानी भिगो दिया था 7-8 घंटे के लिए, और अभी सुबह इसको निकाल के पानी में से, और इसमें जो इस तरीके का देखिए ये कटा हुआ है ना, इसको अलग कर देंगे। और जो कुछ रहता है ऐसा, ये वाला मटर, ये जो फूल नहीं पाया है किसी कारणवश, इसको भी निकाल देंगे, अलग कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल भी फूला नहीं है, ये खराब है मटर, इसको निकाल देंगे। और जो इस तरीके कटा हुआ है ये भी अलग कर देंगे, और अच्छा अच्छा भीन के इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर में डाल दिया हमने मटर और आलू। अब इसको बंद करेंगे और बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने गैस में रख दी कढ़ाई, और इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गरम हो गया, जीरा डाल दिया है और हींग डाल दिया है। और ये हमारा मटर बॉईल हो गया, देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, ये देखिए। और इसमें डालने के लिए ये 2 मीडियम साइज टमाटर हैं, हरी मिर्च, 3 बॉईल किए हुए आलू हैं, और ये 2 बड़ा साइज का चॉप किया हुआ प्याज है। और इधर मसाले, मसाले हमने बहुत कम ही लिए हैं। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर है, स्वाद के अनुसार नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च काफी सारी है इसलिए हमने लाल मिर्च कमी डाली है इसमें। तो बनाना हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें ये जो चाट बनता है ये खट्टा मीठा होता है, इसमें गुड़ भी डाला जाता है, लेकिन गुड़ अभी है नहीं हमारे पास, तो कोई बात नहीं, हम चीनी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, इसमें 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी है, इसी मसाले में ही डाल देंगे। और ये है अमचूर पाउडर, ये अमचूर पाउडर भी डाल देंगे हम इसमें, ये इतना सारा इसी मसाले में डाल देंगे इसको भी। और ये गरम मसाला, इसको भी इसी मसाले में हम डाल लेंगे, ये इतना सारा, इसको भी इसी मसाले में डाल देंगे हम। और इस मसालों को हम पानी डाल के घोल लेंगे, ये ऐसे। और इधर हमारा ये जीरा भुन चुका है, तो इसमें डालेंगे हम प्याज, प्याज हम भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है, और ये जो टमाटर हमने रखा है इसको भी इसी में डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे टमाटर को हम। और ये जो मसाले हमने घोल के रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चाट बनकर तैयार है, इसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया है, और अभी आपको सर्व करके हम दिखाते हैं। चटनी लाना। इसको हम गार्निश करेंगे ये प्याज
और ये है मीठी चटनी, इसको भी डालेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाट बनकर तैयार है। और इसको आज हमने सुबह बनाया है, सुबह सुबह नाश्ते में खाएंगे। और देखिए बड़ा लाजवाब दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है ये फ्रेंड्स। एक बार आप लोग बनाकर इसे जरूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, इसमें हरी चटनी नहीं है, अगर हरी चटनी होती तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास। तो ये लीजिए, आप लोग भी आकर खा लीजिए ये, और खा के बताइए कैसा बना है हमारा चाट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं खाने, और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। और ये चाट जरूर बनाकर एक बार ट्राई करिएगा, जरूर बहुत टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी, पसंद आई हो ना? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आप लोग इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी बना था हमारा चाट, बिल्कुल यूपी स्टाइल, देसी स्टाइल में हमने बनाया था, और बहुत कम सामान में ही बनाया था। जो मेरे पास घर में था सामान, उसी में से मैंने बना लिया था, कोई भी सामान मार्केट से मैंने नहीं मंगवाया था। तो इस तरीके से आपका जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे तो घर में जो सामान उपलब्ध है उसी में से ऐसा कुछ चटपटा बनाकर खाने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ बालकनी में, और मैंने सोचा वीडियो की एंडिंग नहीं हुई थी तो उसको एंड कर देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, और कल मिलते हैं एक अच्छे और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।